18 जुलाई, कल का जो लो प्रेशर एरिया हमारा नॉर्थ उड़ीसा नेबरहुड एरिया में था, वो अभी मूव कर गया है सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ ईस्ट विदर्भ एंड नेबरहुड एरिया में। और पिछले 24 घंटे में रेनफॉल एक्टिविटी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हल्का से मध्यम हुआ है, एक दो जगह करके हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हुआ। हाईएस्ट रेनफॉल था बोथ डिस्ट्रिक्ट का खैरामल 118.4 मिलीमीटर, भुवनेश्वर सिटी में बारिश था 22.0 मिलीमीटर। अभी हमारा सीजनल बारिश का जो स्थिति आया है, 1 जून से आज 18 जुलाई तक टोटल रेनफॉल हुआ है 425.2 मिलीमीटर, इस समय तक स्वाभाविक होता है 394.1 मिलीमीटर, स्वाभाविक से 8% ज्यादा है। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है, दो डिस्ट्रिक्ट में 60% और मोर रेनफॉल ज्यादा हुआ है, बोध एंड कंधमाल एक्सेस है, ढेंकनाल, गजपति, जजपुर, मलकानगिरी, नोआपारा, रायगढ़ ऐसे 6 डिस्ट्रिक्ट में भी एक्सेस है, 21 डिस्ट्रिक्ट में स्वाभाविक है। एक डिस्ट्रिक्ट ओनली सुंदरगढ़ में स्वाभाविक से कम हुआ है 34%, बट अभी जुलाई में सुंदरगढ़ में भी स्वाभाविक बारिश हुआ है। जुलाई में हमारा 59% एक्सेस बारिश हुआ है और 28 डिस्ट्रिक्ट में एक्सेस है, 2 डिस्ट्रिक्ट में स्वाभाविक कैटेगरी में है। अभी हमारा अगला 5 दिन का जो फोरकास्ट है, इसमें नेक्स्ट 24 आवर्स में इंटर उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश और कोस्टल उड़ीसा में मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश रहेगा। एक दो जगह में पॉसिबिलिटी हैवी रेनफॉल का, मेनली नवरंगपुर, कलाहंडी, कंधमाल, रायगढ़, नोएगढ़, बोध, कटक, कुंगुल, ढेंकनाल, केन्दुझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। फिर 19th एंड 20th केवल कुछ कुछ स्थानों पर ही हल्का से मध्यम बारिश रहेगा, हैवी रेनफॉल का पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर 21st एंड 22nd में रेनफॉल एक्टिविटी स्लाइटली इंक्रीज करने का चांसेस है, इसमें मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश रहेगा, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी होने का चांसेस है और हैवी रेनफॉल एक दो जगह करके होने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में मेनली जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा, एक दो स्पेल्स लाइट रेन होने का चांसेस है।